उत्तर मुंबई में और बोरिवली में विशेष करके जहाँ पर भी नवरात्र उत्सव का आयोजन होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते, हमारे विधायक नगर सेवक और सांसद के नाते मैं हमेशा करता रहा हूँ। और ये प्रमोद महाजन जी के नाम पे जो ग्राउंड बना हुआ है, इसमें संतोष सिंह जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सालों से फाल्गुनी फाटक जी को लेकर बहुत ही अच्छा बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर होता है। इस ग्राउंड को बनाने में बहुत प्रयास मैंने किया, मैं नगर सेवक का तब से प्रयास करता था। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मुझे सरकारी पक्ष का कभी बहुत लाभ मिला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती तो मैं संघर्ष कर करके सारा करता रहा। 2014 में जब देवेंद्र जी की सरकार आई तो फिर उन्होंने मुझे फंड पास करके दिया, तो उसका कंपाउंड वॉल का हमने चालू किया काम, वो 5 साल उसमें लग गए, लैंड ट्रांसफर ये वो सब होते होते। और फिर 2019 में फिर एक बार सरकार बदल गई, उद्धव जी की, शरद पवार जी और कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने इस पर राजीव गांधी जी का नाम देने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर नवरात्र न हो उसके लिए प्रयास किया गया। मैं किसी का टीका नहीं करता हूँ, हम हमारे विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, वो लोग उनके विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। उसमें बीच का 2-2.5 साल फिर वापस बिगड़ गया, कोविड का 3 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, उसमें 3 साल वो चले गए। और फिर एक बार अभी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आने के बाद में फिर फंड अलॉट हुआ और ये फर्स्ट फेज का काम जॉगिंग ट्रैक और ये सारा पूरा होकर अभी लगभग हम दिवाली के आसपास इसको लोगों को खेलकूद के लिए उपलब्ध करवा के देंगे। इस साल का नवरात्र उत्सव फिर एक बार यहाँ पर होने वाला है। और एक लंबा दृष्टिकोण रखते हुए, जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने इस पर रोक लाने का प्रयास किया, तो उन दिनों में मैंने एक चिट्ठी लिखा था सुनील केदार जी जो हमारे मंत्री थे, उन दिनों में कि इसमें 5 एकड़ जमीन आप इस प्रकार से अलग रखो ताकि ये कल्चरल नवरात्र उत्सव हो, भागवत सप्ताह हो, रामायण हो, ये सारा होते रहे। क्योंकि देश विकास की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम संस्कृति हमारे कल्चर के साथ विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारा एक सपना था, वो आज भी मैं उसके पीछे डटा हूँ। कोई भी करे, संतोष को मैंने कहा कि अगले साल आप नेक्स्ट को में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ करेगा तो यहाँ उसको मैं सपोर्ट करूंगा, यहाँ और भी कोई अगर इसको टेक ओवर करके करने का प्रयास करते रहेंगे तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी एक सोच है कि मेरी सरकार है तो मेरे सरकार के माध्यम से हम लोग करते रहेंगे। सरकार तो लोकसभा में आना जाना ये सारा चलता रहता है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम जो धार्मिक उत्सव है वो सभी लोगों ने उसको कायम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी का सरकार गया तो फिर ये बंद हो गया, कांग्रेस का सरकार गया तो फिर ये बंद हो गया, ये नहीं चलेगा। जो जहाँ पर जो कार्यक्रम होते आए हैं लंबे समय से, वो लंबे समय तक होता रहे। अटल जी की भाषा को अगर सरकारें आती है जाती है, लेकिन परंपराएं कायम रहनी चाहिए, परंपरा जो हमारी है वो कायम रहना चाहिए। सर, आज यहाँ पर संतोष सिंह ये जो आयोजक है फाल्गुनी पाठक के नवरात्र उत्सव का, ये महाराष्ट्र बल्कि देश में बहुत ही नवाजा ऐसा उत्सव है। पिछले लगातार 8 वर्षों से करने वाले संतोष सिंह को मैं शुभेच्छा देता हूँ, उनकी पूरी टीम को शुभेच्छा देता हूँ। और हमारे पूर्व सांसद सन्मान्य श्री गोपाल शेट्टी जी की कलकत्ता से बहुत सारे साल पहले ये उत्सव की जो बातें यहाँ पर हुई और उत्सव यहाँ पर शुरू है। हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव, जैसे हम कहते हैं कि गणपति उत्सव होता है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है, वैसे ही नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। और ये भारत की संस्कृति और परंपरा को उजागर करने वाला उत्सव है। और बोरीवली में जिस प्रकार से ये उत्सव होता है उसके लिए मैं धन्यवाद संतोष सिंह को देता ही हूँ, लेकिन जिन्होंने इसकी शुरुआत की। अगर ये ग्राउंड ही नहीं बचते, अगर ये ओपन स्पेसेस ही नहीं रहती, तो कहाँ पर ये उत्सव मनाने की हमें सबको जगहें मिलती। तो ये जगहें जो थी वो रिजर्व करने का काम, जो रिजर्व जगह थी उसको संरक्षित करने का काम हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया था, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बोरीवली में दांडिया और नवरात्रि उत्सव बहुत ही जोर शोर से मनाया जाएगा, इसलिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से नवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा। सभी के साथ सरकार से हमारे पूर्व सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब का और यहाँ के लोकल विधायक श्री सुनील लांडे का आज सर पूजन किया गया है। और हम देखेंगे हर साल की तरह इस साल भी लोगों को सुविधा में कोई कमी नहीं रहे और लोग आनंद अच्छे से उठा रहे। इस बार करवे में क्या थीम रहने वाला है, क्या खास रहने वाला है? तो हर साल खास ही रहता है। अभी से बोलते हैं मतलब क्या है, सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए? तो अपने हमारे यहाँ पे आज से नहीं, पहले से बॉम्बे की टॉप कंपनी की पुलिस कंपनी सिक्योरिटी गार्ड को दिया है,
एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो 15-20 लोग की टीम आती है जो बड़े बड़े शो ऑल ओवर इंडिया करते हैं। हम खास उनको देखते हैं कि भाई ग्राउंड पे कुछ भी ना बोलते ना अनोनी हो आप ग्राउंड पे सेफ्टी में डॉक्टर की सुविधा इमीडिएटली एक्सिट बोलते हैं ना बाहर एक्सिट जाना पूरा ये सब सुविधा उन्होंने देखते हो 15 लोग की टीम रहती है वो खाली यही देखते हैं कि कोई अनवांटेड चीज ग्राउंड में नहीं हो। जैसे संतोष भाई ने बताया क्योंकि ग्राउंड का कैपेसिटी जो भी होता है जब भी हम लोग ग्राउंड पब्लिक का सिक्योरिटी और पब्लिक को जो एंजॉय करने का सेफ्टी वो हम लोग पहला देखते हैं क्योंकि संतोष भाई का एक खासियत है जो सीसीटीवी से लेके पुलिस फायर ब्रिगेड से लेके हर चीज का मुझे हमारा यहाँ पे खाली नाम या पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है हमारे इसमें लोगों को एंजॉयमेंट और हम लोग इस सक्सेस क्यों हो रहे हैं क्योंकि हम लोग लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं इसके लिए इस साल भी हम लोग को हमारा सक्सेस है। टाइम को लेकर टाइम लिमिट को लेकर बड़े लंबे समय से एक डिमांड रहता है जो उनका भी और 100% इस बार तो गोपाल शेट्टी जी ने तो पूरा हमारे का माजी खासदार ने पूरा कोशिश किया था इस बार हमारे साथ पीयूष गोयल जी जुड़े तो वो नक्की इसके पे ध्यान देंगे बढ़ा सकते हैं।